हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर दीप्तिस डायरी। आज मैं आप लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस नाम के फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स के बारे में बताने वाली हूँ, यानी कि पेशेंट को कैसे पता चलता है कि उसको म्यूकोरमाइकोसिस नाम की बीमारी हुई है। तो सबसे पहले ये बता दूँ कि म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादातर हमारे मुँह और नाक का जो रीजन होता है वहीं पर होने वाला फंगल इन्फेक्शन है, जो म्यूकोरमाइसिटिस नाम की फंगाई की वजह से होता है। तो उसके ज़्यादातर सिम्टम्स भी मुंह और नाक में ही दिखने वाले होते हैं। सबसे पहले हमें जब भी शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमें थोड़ा सा बुखार आता है, उस वक्त हमें थोड़ी सी वीकनेस भी फील हो सकती है। तो ये सब कोई भी इन्फेक्शन की वजह से आने वाले कुछ सिम्टम्स हैं। अब स्पेसिफिकली म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से हमें मुंह में हमारे दांतों पे कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख सकते हैं, जैसे कि 3 या 4 दिन के अंदर अंदर ही हमारे 1 या 2 दांत हिलने शुरू हो जाते हैं। हमारे 1 या 2 या फिर कई सारे दांतों के मसूड़ों में से खून निकलना शुरू हो सकता है, उसमें से पस निकलना शुरू हो सकता है, मसूड़ों में या फिर ऊपर के पैलेट के रीजन में भी सूजन आ सकती है, हमारे दांत में चबाने पे दर्द हो सकता है, और अगर अंदर इन्फेक्शन हड्डी में बहुत सारा फैल गया है तो दांत के साथ साथ हमें हड्डी में भी दर्द हो सकता है। यहाँ के रीजन में, आँख के नीचे के रीजन में हमें नंबनेस फील हो सकती है, यानी कि हम अगर उसे टच करें तो हमें पता ना चले, ऐसा भी एक सिम्टम हो सकता है। आँख के नीचे की जो चमड़ी होती है वो भी नंब हो सकती है। यहाँ के रीजन में हमें हैवीनेस फील होती है, यानी कि यहाँ पर जो हमारी एयर साइनस होती है उसमें फ्लूइड भर जाने की वजह से हमें यहाँ पे हेवी फील होता है, भरा भरा फील होता है। हमें यहाँ पे दबाने पे दर्द भी हो सकता है। कई बार इन्फेक्शन हमारी मैक्सिलरी एयर साइनस से ऊपर आँख के रीजन तक जब पहुँचता है तो आँख में भी पेन होता है, आँख में रेडनेस दिखनी शुरू हो जाती है, आँख का जो विजन होता है यानी कि आप कोई भी चीज़ देख रहे हो तो वो अच्छे से नहीं दिखती है, ब्लर्ड विजन हो सकता है। आँख की मूवमेंट, आँख जब हम कुछ चीज़ें देखने के लिए राइट टू लेफ्ट अप टू डाउन जो मूवमेंट होती है वो भी अफेक्ट हो सकती है। आँख का जो आईबॉल होता है उसे हम अच्छे से मूव नहीं कर सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स हमें आँख में भी दिखाई दे सकते हैं। और अगर हमारे नाक के पीछे के रीजन में अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है तो नाक से सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, नाक बंद रहता है या फिर नाक में से एक्सुडेट निकलता है, यानी कि रनिंग नोज हो सकती है। जब हम सांस लेते हैं तो मुंह के अंदर या फिर नाक में गले के रीजन में गंदी स्मेल आती है। और अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऊपर की जो हड्डी होती है उसका जो पैलेट का पोर्शन होता है वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसकी वजह से हड्डी, हमें मुँह खोलने पर हमें हड्डी तक का जो पोर्शन होता है वो भी दिखना शुरू हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से हमें हेडेक भी हो सकता है, फीवर भी आ सकता है और आँख के आसपास के रीजन में सूजन भी हो सकती है। तो इस तरह से ये सारे सिम्टम्स हैं म्यूकोरमाइकोसिस के, जो कि हमारे मुंह नाक और आँख के रीजन में बहुत अच्छे से प्रेजेंटेड होते हैं। तो अगर कोविड ठीक हो जाने के बाद अगर आप डायबिटिक हो, एड्स है, या फिर आपको ट्रीटमेंट के दौरान स्टीरोइड्स दिए गए हैं और ठीक हो जाने के बाद इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखे तो आपको तुरंत ही उसके लिए चेकअप करवा लेना चाहिए। म्यूकोरमाइकोसिस का चेकअप करने के लिए कई बार डॉक्टर्स सिटी स्कैन करवाते हैं, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि इन्फेक्शन हड्डी में कहाँ तक पहुँचा हुआ है और कितनी ज़्यादा हड्डी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अगर इन्फेक्शन हमें शुरुआत के स्टेज में ही पता चल जाए और ज़्यादा हड्डी का डैमेज होता हुआ हम बचा सकते हैं, बिना सर्जरी किए भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है और अंदर की हड्डी डैमेज हो गई है तो हमारे पास सर्जरी और मेडिसिन दोनों ही ट्रीटमेंट करने का ही ऑप्शन बचता है। और कई बार ये भी होता है कि सर्जरी के वक्त हमें ऊपर की जो पूरी हड्डी होती है वो निकाल देनी पड़ती है, क्योंकि वो पूरी इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि हमें डिसीज से बचना ही चाहिए जब तक हम बच सकते हैं। अगर हमें डिसीज हो ही जाता है तो उसके स्टार्टिंग के स्टेज में ही हमें उसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट सिर्फ अगर मेडिसिन से ही हो जाती है तो ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बहुत कम रहता है और सर्जरी से भी नहीं गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन अंदर हड्डी के अंदर पहुँच जाता है और ज़्यादा हड्डी को डिस्ट्रॉय कर देता है तो उसकी वजह से हमें ट्रीटमेंट में सर्जरी को भी इंक्लूड करना पड़ता है।
और कई बार ऊपर की जो हड्डी होती है उसके बाद आंख के रीजियन में और उसके बाद अंदर की हड्डी को भी डिस्ट्रॉय करके इन्फेक्शन हमारे ब्रेन तक भी पहुंच सकता है। और अगर ब्रेन तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो कई बार ब्रेन का कुछ पार्ट को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से वो जो डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है और उसकी वजह से कई बार परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है या फिर डेथ भी हो सकती है। तो म्यूकोरमाइकोसिस एक बहुत ही डेंजरस डिसीज है कि जिसका प्रिवेंशन भी है और जिसका क्योर भी है, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट ना कराएं तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिसकी वजह से म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस डिजीज से अवेयर हो जाए। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, बी वेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।